हाय गाइस, माय नेम इज अनिल एंड यू आर वाचिंग मिस्टर धमाकेदार टेक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हुआवे के बारे में। जैसा आप सबको पता है, यूएस बैन के बाद हुआवे अपने हारमोनी वॉइस पे काम कर ही रहा था, लेकिन बेसिकली उन्होंने जो है ना चिपसेट के मामले में वो थोड़े से कंफ्यूज थे। तो बेसिकली अब हुआवे की जो P50 सीरीज है उसके साथ आपको न्यू हुआवे पैड देखने को मिलेगा और उसके बारे में कुछ और भी र्यूमर्स आए, तो बताऊंगा क्या उसका डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ पर एक लीकर आया है, करिश डिजिटल किंग, इसने कहा है हुआवे का जो न्यू पैड आने वाला है वो जो है ना P50 सीरीज के साथ आएगा फर्स्ट या सेकेंड क्वार्टर में 2021 के। और उसके लिए हुआवे ने जो है ना अलग से एक पैड ओएस बनाया है जो कि टैबलेट के लिए काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। 12.9 इंच का ओलेड स्क्रीन है, अल्ट्रा नैरो बेजल, नॉन डिगिंग होल्स, मेटल बॉडी है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अब जैसा आप सबको पता है हुआवे जो है ना करंटली वर्क कर रहा है अपने प्रोसेसर्स पे, तो यहाँ पर इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो किरिन 9000 होने वाला है जो कि हमने हुआवे मेट 40 सीरीज़ में देखा था। तो किरिन 9000 काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, वर्ल्ड के टॉप पर टॉप 3 या 4 में आता है ये प्रोसेसर, तो काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन होने वाली है क्योंकि हुआवे ने इस बार काम किया है सॉफ्टवेयर पे। जैसे आप सबको पता होगा हार्डवेयर से ज़्यादा मोबाइल के सॉफ्टवेयर पे जो है ना चीज़ें डिपेंड करती है। अगर लो हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर अच्छा है ना, तो सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकता है। जैसा हमने आईफोन में देखा है, उनकी जो बैटरीज होती है वो 1700 1800 2000 एमएच की होती है, लेकिन चलती उतनी है जितनी 4000 या 3000 एमएच की बैटरीज चलती है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये था कि सॉफ्टवेयर जो है ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हार्डवेयर के मुकाबले। तो हुआवे ने इस बार सॉफ्टवेयर पर काफ़ी कमाल काम किया है। हुआवे का जो न्यू आईपैड हुआवे पैड जो आने वाला है उस पे जो ओएस काम करेगा वो हुआवे का पैड ओएस है। अब आप इसको हुआवे होंगमेंग पैड ओएस बोल सकते हो, अगर आप आउट ऑफ चाइना रहते हो तो हुआवे हारमोनी पैड ओएस बोल सकते हो, बहुत बड़े नाम है, लेकिन यही थी न्यूज़। तो बेसिकली इसके बारे में बताया गया कि P50 सीरीज़ के साथ आएगा, और जैसा आप सबको पता है हुआवे जो है ना हारमोनी ओएस 2.0 पे काम कर रहा है जो कि 16 दिसंबर को बहुत ज़्यादा फ़ोन्स में आ जाएगा। उसकी मैं जो लिंक है या वीडियो की वो मैं आपको आई कार्ड में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि हुआवे के हारमोनी ओएस को हम एंड्रॉयड के साथ कंपेयर करें, क्या डिफरेंस होने वाला है, क्या बाकी ब्रांड्स हुआवे का हारमोनी ओएस यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक, कमेंट्स दो आपको वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।